उत्तर भारत में इस वक्त अजीबोगरीब मौसम बना हुआ है। दिन में धूप खिलती है तो वहीं सुबह शाम ठंड बढ़ जाती है। दिल्ली वासियों को समझ नहीं आ रहा कि गर्मी के कपड़े पहने या ठंड के। इसी असमंजस की वजह से कई दिनों से लोग परेशान हैं। बीते कल की बात करें तो दिन में निकली धूप के साथ ठंडी हवाएं चल रही थी और आज भी मौसम का मिजाज वैसा ही है। तापमान 8.2 डिग्री दर्ज। मौसम विभाग ने दिन में धूप खिलने और आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। आज सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि कल ये 6.9 डिग्री रहा। हवाओं के असर से IGI एयरपोर्ट पर सुबह 8 बजे विजिबिलिटी का स्तर बेहद कम था। NCR का क्या रहा हाल? लगातार दूसरे दिन बीते कल सुबह सवेरे धूप खिली, जिससे लोगों को सर्दी से राहत रही। शाम को बादल घिर आए और बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन धूप रहेगी, लेकिन आसमान में हल्के बादल मंडराते रहेंगे। दो दिन लगातार बूंदाबांदी और बारिश होने के बाद रविवार को आसमान में बादल मंडराएंगे, जिससे सर्दी ज्यादा महसूस होगी। मंगलवार के बाद बुधवार को भी दूसरे दिन लगातार सुबह सवेरे धूप खिली, तो वहीं लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिली। जिसके बाद पार्क में और घरों की छत पर लोग धूप सेकते नजर आए। शाम को फिर से मौसम बदल गया, बादल घिर आए और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं हवा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। कभी भी हो सकती है बारिश। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन धूप खिली रहेगी, लेकिन आसमान में हल्के बादल मंडराते रहेंगे। तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी आ सकती है। वहीं आज का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तो वहीं अधिकतम तापमान 19 डिग्री दर्ज किया गया है। उधर एटमॉस्फेयर में आर्द्रता 54% तक रह सकती है और हवा अधिकतम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। दिल्ली से मरियम अली की रिपोर्ट।